नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोस्तों, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन प्यार में कुछ ऐसा किया रियल लाइफ जोड़ी जेपी सिंघानिया व गुड़िया सिंघानिया ने कि दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, पहली बार एक पति ने अपनी पत्नी को अपनी शादी की सालगिरह पर एक ऐसा गीत गिफ्ट किया जिसे दुनिया बार बार सुन रही है और बार बार देख रही है। ये गीत स्पेशल अनजान सागर से लिखवाया गया और उनके फेवरेट स्टार सिंगर शान से इसे गवाया गया, जबकि इसकी मधुर धुन बनाई है नजाकत शुजात ने। इस गीत के वीडियो में इस जोड़ी ने लाजवाब अभिनय भी किया है, जिसे देखकर लगता है कि ये स्टार जोड़ी आगे भी इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में छाई रहेगी और इसी तरह के एल्बम बनाती रहेगी। इस खास मौके पर अभिनेत्री मंदाकिनी व उपासना सिंह भी इन्हें मुबारकबाद देने पहुंची। इनके साथ ही सीनियर कलाकार मिथिलेश चतुर्वेदी भी इस मौके पर पहुंचे। इस मौके पर इस जोड़ी ने केक भी काटा और सभी मेहमानों का आभार भी प्रकट किया। यहां हम आपको बता दें कि इस गीत की निर्माता हैं रूपल मोहाता, जबकि इसे निर्देशित किया है रुपेश राय सिकंद ने, जो कई फिल्में और म्यूजिक वीडियो बना चुके हैं और इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस गीत को देखते हुए ये लग रहा है ये गीत जल्द ही एक नया ट्रेंड सेट करेगा और जिसका पूरा श्रेय जाएगा जेपी सिंघानिया और गुड़िया सिंघानिया को। Everything put all together. Yes. I think it's very nice. Thank you. Thank you and so much. And they have acted very well. Yes. You're looking very good. Thank you. Thank you very much. Upasana ji, आपसे भी दो शब्द जरूर जानना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में। दो शब्द तो वही हैं जो मंदाकिनी जी ने कहा, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने भी देखा, वेरी नाइस। तो क्या कहूँ, जब न्यू कमर्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो डायरेक्टर को बहुत ही, आपने कमाल किया है कि नए लोगों से आपने काम करवाया है। तो इनको जब भी, क्योंकि मैंने भी फिल्म बनाई है, अभी मैंने डायरेक्ट की है एक पंजाबी फिल्म, तो हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम एक फिल्म डायरेक्ट की है, तो मैंने उसमें कुछ न्यू कमर्स को रखा था और उसमें मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। वो खैर एक्टर्स थे, तो जो बिल्कुल एक्टर्स नहीं हैं उनको सिखाना, और आपको तो मैं, आप तो कमाल हैं, इनको उठा लिया आपने इतनी बार। सबसे बड़ा तो भी इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़रूर। कितनी बार उठाया उन्होंने अपने मिसेस को, और दूसरी लड़कियों को उठाना तो आसान है, मिसेस को उठा के प्यार वाले एक्सप्रेशंस देना वो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने वो वाले एक्सप्रेशंस भी दिए अपनी वाइफ के लिए, तो बहुत कमाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी। हाँ, तो एक बार उठा के बताइए अभी, प्यार में तेरे, एक बार प्यार में तेरे उठा के बताइए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक दिन, मैंने कहा मैं जरा प्यार में आ गई, मैंने कहा जरा मुझे उठाइए, बोलते अगर मैं तुझे उठाऊंगा तो मैं खुद उठ जाऊंगा। लेकिन ये उठे नहीं, इन्होंने उठा लिया। तो ये गाना मैं अपने हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी कि अगर वो उठा सकते हैं तो आप भी उठा सकते हैं। और इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बुलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात इतनी गर्मी में काम करना और 42 डिग्री टेम्परेचर, हाँ उसमें, और आपने इतनी सारी ड्रेसेस चेंज की, तो बहुत हिम्मत की बात है वो, और फिर उसमें प्यार के एक्सप्रेशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो थैंक यू सो मच, इसी बहाने मुझे आप से मिलने का मौका मिला और पूरी टीम से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अब इतने लोगों के बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो बोला जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, बेहतरीन, नायाब, एक्सीलेंट एंड वेरी नाइस। पुराने टाइम के अंदर जब सॉन्ग्स बनते थे, दो दो फूल टकराते थे और उसके बाद पता नहीं चलता था कि क्या हुआ। क्या हुआ? आज के टाइम में फूल टकराना बंद हो गया, सिर्फ ये फर्क है। लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स के अंदर एक फील थी, एक सोल थी, वो आज के सॉन्ग्स में भी है, लेकिन उस लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर, उस लेवल के लिरिक्स राइटर जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आज उपासना जी के साथ अभी बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि उन्होंने दो फिल्में अभी प्रोड्यूस की हैं और अपने सन को लॉन्च कर रही है। तो मुझे पता है कि ये पीछे बिहाइंड द कैमरा ये कितनी मेहनत कर रही है। तो सेम चीज़ मैं इनके लिए बोलूँगा, सिंघानिया साहब के लिए, कि बिहाइंड द कैमरा जिन लोगों ने मेहनत की है और फ्रंट ऑफ द कैमरा जिसने मेहनत की, उसी को पता है कि बेस्ट चीज़ क्या है, क्योंकि हर कॉपी चीज बेस्ट लगती है। जो भी आदमी, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है,
बेस्ट जजमेंट ऑडियंस की। ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि लोग पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं, और या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कपल्स पहले यहाँ एक दो मूवी चार मूवी करते हैं, फिर उनके बीच अफेयर लव होता है और फिर वो कपल्स में बदल जाते हैं। हमने पहले शादी की है, एक अरेंज मैरिज है हमारा, और उसके बाद प्यार हुआ है, और फिर प्यार के बाद ये रियल लाइफ का प्यार हमने लाया है जो शायद एक ट्रेंड सेट कर दे बॉलीवुड में। एक आम आदमी भी चाहे तो एक अपना आम जीवन से उठ करके एक सॉन्ग शूट करा सकते। दुआ करते हैं फिल्म में भी आप दोनों साथ में नजर आ गया। सुजात जी आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, और इस वीडियो में क्या खास बात है कपल को देखते हैं? कपल बहुत अच्छे हैं और आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मैं इस गाने में रुपेश भाई की तारीफ करूंगा कि उन्होंने चांस दिया और इतना अच्छा गाना बनवाया। जैसे ये गाना गाया शान भाई ने, गाया गाना और शान भाई आने वाले थे, एक मिनट रुक जा, वरना वो भी आते थे, क्योंकि कल ही मुझे रुपेश भाई ने बोला कि भाई शान भाई को भी बुलाया जाए, तो बाहर हैं। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे रुपेश भाई की, उन्होंने ये गाना मेरे से लिखा हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस था, और रुपेश सर का तो सैल्यूट है, बिकॉज इतना सुंदर तरीके से इन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया है, और ये हमारे जो कपल है इनका भी मैं थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने इतने फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई शूटिंग में वन डे में आपके फटाफट आउटफिट चेंज करना और सेट पे आना इतनी गर्मी में सीन्स जैसे देना। मंदाकिनी जी ने बोला कि यार वहाँ पर भी, मैम ने भी बोला कि इतने फटाफट एक्सप्रेशंस भी देना गर्मी में। मैं भी शूटिंग पे लोकेशन पे थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट सीरियसली इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है एक बार सारी मीडिया ने, वैसे ज़्यादा तालियां तो आप लोगों ने बजाई नहीं है, पर एक बार बजनी चाहिए इन दोनों के लिए, सर के लिए। सुंदर भाई एक मिनट ऐसे ही रहिए, वीडियो चल रहा है। नमस्कार, कावर्स एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं कैमरामैन फोटोग्राफर उपेंद्र कावा आप सभी को इस दबंग बिहार स्टार टीवी न्यूज की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, जो इस चैनल में बड़ी अच्छी और ताज़ी खबरें आप लोगों के सामने दिखाई जाती है, जिसको आप बेहद अच्छी तरह देखें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल को बटन दबाकर इसको सफल बनाने का प्रयास जरूर करते रहें।